चोंच देखे हैं, बिल्कुल ब्लैक चोंच और लंबी। ठीक है, आंखें तलाक देखे आप इसकी, बिल्कुल जो प्योर टीम है, इससे पहले जो दिखाया था गोल्डन वो भी प्योर टीम में थे। एज बढ़ती जाती है और ये इसके ऊपर देखिएगा आप, बारे में बताएं। अच्छा, नर कौन से और मादी कौन सी? ये नर है और ये मादी है, ये सियालकोटी कबूतरों इस वजह से। देखिए बिल्कुल मादी, इसकी आइज देखे आप, ये इसका आइज को सब चेक करें। शाम का टाइम हो रहा है तो जैसे हो सकता है लगने पे तो कोई मसला नहीं है, लग जाएगा जल्दी, 10 मिनट है, 5-10 मिनट में लग जाएगा, क्योंकि कबूतर ज़्यादा है कुछ, मतलब अंदर रखे हुए। ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, एक नर जो है ना वो, ये तो लगा हुआ नीचे वाला ना ये। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका मेज़बान शाहिद सुफियान और आप देख रहे हैं शाहिद टीवी। सुफियान कैसे आप लोग, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फिट फॉट होंगे। तो भाई इस वक्त मैं मौजूद हूँ हबीब भाई के सेटअप पे, जिस तरह हम लोगों ने आप लोगों से वादा किया था कि भाई अनकरीब जो है हबीब भाई की छत की हम वीडियो बनाएंगे और कुछ कबूतर हम लोगों ने जमा किए हुए वो आपको शो कराएंगे। ज़्यादा क्वान्टिटी में तो नहीं है, कुछ ही कबूतर हैं, लेकिन बेसिकली आज की जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता लग जाए कि भाई हबीब और शाहिद भाई ने जो है ना वो काम शुरू कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये जो है आपके ऑर्डर पे भी काम होगा, यानी कि अगर आप कोई भी हाई फ्लायर कबूतर चाहिए हो या पट्टी वाले चाहिए हो तो ये है कि वो हम आपको अरेंज करके दे सकते हैं। बाकी अभी भाई मौजूद है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अभी भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? मज़े में, फिट फाट। तो अभी भाई कौन कौन से जोड़े हैं हमारे पास दिखाने के लिए? अभी तक तो फिलहाल 3 जोड़े हैं, कुछ बाकी सिंगल कबूतर है। अच्छा, तो इंशाल्लाह जो लोग रिक्वायरमेंट करेंगे उस हिसाब से, लेकिन ये कि जो कबूतर है हड्डी जोड़ हर चीज़ में परफेक्ट होंगे, ये नहीं होगा। इस चीज़ का हम लोगों ने बहुत ख्याल रखा है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि यार हड्डी जोड़ से जो है ना कबूतर मजबूत होना चाहिए, तो वो जब आपके पास आएंगे इंशाल्लाह, या आप खुद यहाँ आके देखना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है, हड्डी जोड़ इंशाल्लाह आपको बिल्कुल परफेक्ट मिलेगी। और जो उड़ान है उसको भी देख के जो है ना हमने ये परचेज़ किए हैं। तो अभी भाई पेर भाई पेर व्यूअर्स को शो कराते हैं। जी बिल्कुल, पहले पेर दिखाते हैं, बाकी जो सिंगल है, सिंगल भी अगर कोई लेता तो सिंगल भी मिल जाएगा, नहीं तो अगर बोलते कि उसी के हिसाब से जो माजी है उसके लिए नर चाहिए, नर के लिए माजी चाहिए, तो वो भी इंशाल्लाह उसके बाद लगा के इस तरह पेर भी आपको फिर दे देंगे। और अगर किसी को पूरी कोई लाट चाहिए हो तो इंशाल्लाह भरपूर कोऑपरेट के साथ जो है ना हम उनको लाट भी दे देंगे, और बाकी जोड़े के जो रेट हैं वो भी इंतहाई इंशाल्लाह मुनासिब होंगे, और कबूतर दिखा के उसके बाद आपको जो है ना उसकी स्टैंडिंग पोजीशन वगैरह सब कुछ दिखाई जाएगी। तो चलिए आपको कबूतर शो कराते हैं। सुवर्स ये आप देख सकते हैं अभी भाई के हाथ में जो है ना पहला जोड़ा आपको शो कराने जा रहे हैं। ठीक है जी, अभी भाई ज़रा बताएं। ये आपके सामने है फ़कीर गुल जोड़ा है। अच्छा, इसमें से ये पैर लगा हुआ नहीं है, लगने पर तो कोई मसला नहीं है, लग जाएगा जल्दी, 10 मिनट है, 5-10 मिनट में लग जाएगा, क्योंकि कबूतर ज़्यादा है कुछ, मतलब अंदर रखे हुए। ये भी आपको नजर आ रहा होगा, एक नर जो है ना वो, ये तो लगा हुआ है नीचे वाला ना, ये जोड़ा लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको मादी दिखा देता हूं, मादी जो है ना हीट पे है, नर नर को पहले जो है ना 10 से 15 मिनट लेंगे इंशाल्लाह जोड़ा आपका लग जाएगा। पहले आपको नर का शो करवाते हैं, मादी का सॉरी। ये देखिए, अच्छा फिर तो ये देखें, पहले आपको जो है ना मादी का शो करा रहे हैं माशाल्लाह से। ये आप इसका आइज को सब चेक करें, चोंच देखें, बिल्कुल ब्लैक चोंच और लंबी। ठीक है, आंखें आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, ज़रात नज़र आ रहे होंगे आपको आंखों में। ठीक है, थोड़े से पर दिखाएं ज़रा अभी भाई, इसके कलर हुए हुए हैं, इससे ज़ाहिर होता है कि कबूतर माशाल्लाह से उस छत पे उड़े हुए हैं जो जिस छत से हम लेके आए। ये धुन देखें आप इसकी। ठीक है, पर दूसरा पर दिखाएं ज़रा इसका, थोड़े से मेले हुए हैं। ठीक है, ये आप इसके पंजे चेक करें माशाल्लाह। ठीक है, और ये पूरा आ गया पूरा कबूतर आपके सामने, ठीक हो गया। अब ज़रा इसका नर निकालें, उसके बाद इंशाल्लाह लास्ट में जो है ना इसकी आपको स्टैंडिंग पोजीशन भी दिखाएंगे। ठीक है, ये नर का भी ज़रा आप शो करें, ये नर आ गया माशाल्लाह। नर की ज़रा चोंच जो है बनिस्बत मादी की छोटी है, लेकिन है बिल्कुल ब्लैक, बिल्कुल मादी की तरह। ये आप इसका आइज़ को अब देखें, डॉट डॉट आपको नज़र आ रहे होंगे आंखों में, ये भी कलर हुआ नर है। ठीक है, ये कलियां देखें आप इसकी, 9वीं 10वीं 8वीं वाइब्रेशन भी आपको ऊपरों में नज़र आ रही होगी, स्प्रिंग अच्छा है, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के जो है ना स्प्रिंगी पर हैं इसके। ये देखें, ठेला भी चुके थोड़ा सा आदमी डिस्टर्ब हो रहा है, इसका दूसरा पर देखें, ठीक हो गया। तो पंजे में आपको दिखा दे तो कड़वा नर है, ये पंजे चेक करें, बिल्कुल खुशक जामनी पंजे। ठीक है, ये पूरा कबूतर आपको एक दफ़ा पूरा शो करा देते हैं, ये देखें आप। ठीक है,
हड्डी जोड़ की जो है ना इंशाल्लाह गारंटी होगी, ऐसे लगे हुए एक एक चीज जो है ना हमने इसमें देख के जो है ना वो परचेज की लगावानी है भाई। ठीक है, लगावानी है, 10 से 15 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह। ये आप इनकी स्टैंडिंग पोजीशन देखें जरा, उस तरफ से मैं एक मिनट इसको इधर बताता हूँ ना, देखिए फिर आप देखिएगा। ये देखें आप, देखिए पिंजरा थोड़ा छोटा है। चलें भाई, तो अभी जो है आपको दूसरा पेयर शो कराते हैं। जी फिर, तो ये दूसरा जोड़ा है आपको दिखाया जा रहा है, नर बड़ा कड़वा है। इसमें नर और मादी दोनों जीरे? जी जी दोनों जीरे, ये नर है देखे, चोंच आप देखे बिल्कुल वाइट चोंच में, ये मादी मादी कांटा कश है। चले पहले जरा ये नर दिखाएं, पहले मैं आपको नर दिखा देता हूँ। मादी पहले आप, नर बड़ा कड़वा है, पहले मैं आपको नर दिखा देता हूँ, इसको बंद करता हूँ। ये देखे नर, ये भी जोड़ा लगा हुआ नहीं है, लगने का तो टेंशन नहीं है, वो तो लग जाते क्योंकि कबूतर ज़्यादा है ना, तो फिर इस वजह से देखे बिल्कुल मादी, इसकी आइज देखे आप, इसका आइज को सब चेक करें माशाल्लाह से, ज़रात आपको लाल लाल नज़र आ रहे होंगे आंखों में। ठीक है, मतलब हर चीज़ जो है ना बड़ी देखभाल के जो है ना इसमें देखी गई है। खासकर जो हड्डी जोड़े ना वो परफेक्ट होंगे, क्योंकि अक्सर हड्डी जोड़ की तो आप बिल्कुल भी जो है ना समझ लें टेंशन नहीं है, क्योंकि हड्डी जोड़ हमने काफ़ी अच्छे अच्छे कबूतर यकीन करें छोड़ दिए सिर्फ और सिर्फ हड्डी जोड़ की वजह से। मादी के जोड़ बंद होते हैं फिर, मैंने कहा कि अभी भाई जोड़े अच्छे हैं, कुछ जो दो तीन जोड़े हमें काफ़ी पसंद आए थे, तो अभी भाई ने कहा था यार थोड़ा सा इनका जो हड्डी जोड़ है ना ये सही नहीं है, हालांकि चीज़ काफ़ी खूबसूरत थी। अच्छा, इससे पहले भी हमने दो जोड़े बेच चुके हैं, लेकिन हमने वैसे मैंने एक दोस्त को वीडियो भेजी थी, दोस्त ने ले लिए थे, एक हालांकि वीडियो बनाने पहले लेके आए थे दो जोड़े, उसकी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ी, बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो पहले से ही जो है ना वो सेल हो गए, क्योंकि कबूतर ज़्यादा है तो इस वजह से वीडियो बना रहे। ठीक है, इसका जरा पूरा कबूतर दिखाएं। ये देखिए पूरा कबूतर, थोड़ा सा मैंने बताया ना मैंने लाइव जारी सी बात, हो सकता है तंग हो रहा हाथ में, पूरा इसका इसकी ज़रा मादी दिखाएं। मादी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी थोड़ी बीट कर दी है मादी, इसकी कांटा कश है वो भी ज़रा आपको दिखा देते हैं। ये मादी आप देखें, ये मादी का शो बिल्कुल जोड़ बंद है, अभी शाम का टाइम हो रहा है तो जैसे हो सकता है सही कबूतर के कलर से इस तरह नहीं आ रहे हो, अभी मगरिब होने वाली है। ठीक हो गया, इसके पर देखें, पर चेक करें आप इसके, दूसरा पर दिखाएं, थोड़ा पकड़ते हुए ये वाला पर टेढ़ा हो गया मस्ता नहीं है, इसकी टेल देखें और ये इसके पंजे, देखिए पूरी मादी, ये पूरी मादी आ गई आप लोगों के सामने, ये चेक करें भाई। इसको मैं छोड़ देता हूँ, नर चिपक गया ऊपर, क्योंकि मैंने बताया ना पिंजरा छोटा है तो डर रहेगा कबूतर, यहाँ से दिखाया मैं इस तरफ आता हूँ, इसकी भी आपको स्टैंडिंग पोजिशन दिखा देते हैं भाई। ये देखें आप माशाल्लाह, कबूतर थोड़े से पिंजरे में पहली दफ़ा है ना, इस वजह से थोड़े से इस तरफ से दिखा दें आप, देखिए ऊपर चली गई, इधर से दिखा दी, इधर से भी आ गया, ये देखिए माटी मादी को देखिए कांटा कश, ये देखिए भाई ये पूरे नर की स्टैंडिंग, देखिए नर की स्टैंडिंग आपने देख ली है, ये दूसरा जोड़ा। ठीक है, चलिए अभी आपको जोड़े दिखाते हैं। जी अभी भाई ये पैर आप देखें, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये व्यूअर्स कमेंट में खुद बताएंगे कि कौन सा पैर है, ये मेरे अपने घर का ही पैर है। अच्छा। ये वाला जो है ना मतलब मेरा, मैं सोच रहा हूँ कि भाई चलो एक पैर मेरे पास है, तो मैंने बोला भाई ये लगा, तो एक बंदा मांग भी रहा था तो उस टाइम तो मेरे को देना नहीं था, मैंने बोला चलो ये दे देता हूँ। चले ठीक है, इसका ज़रा पहले नर का शो कराएं, नर का शो करवा देता हूँ मैं आपको, और ये कि इंशाल्लाह ये पैर भी जो भाई देखेगा ना, ये देखे सबसे पहले इनका कलर देखे पूरा, इसके आइज भी मैं दिखा देता हूँ, इधर आप इसका यहाँ पे फोकस करना जरा, इस तरह ये नर है, ये नर है, इसका हम आपको आइज क्लोजअप दिखा रहे हैं, जो आंख में मूवमेंट होती है ना एक अच्छे सियानी कबूतर की निशानी होती है। इसके पर मैंने निकाल दिए थे अभी, पर इसके आ रहे हैं मतलब कैच नहीं मारती वैसे निकाल दिए थे, और आखिरी की तीन कलियाँ तकरीबन, हाँ ये देखिए तीन कलियाँ देखें, नवी दस बराबर है, आठवीं जो है ना थोड़ी मामूली सी छोटी है इससे, ये टेल देखें, ये जिस तरह मैंने बताया ना कबूतर अभी चुके दुम खोल है वैसे देखे बैलेंस मेट, इसके बाद ये पर देखें, ये भी तकरीबन ये दो हफ्ते में पर आ जाएंगे, और इसके पंजे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अभी मादी अंडे पे आने वाली है, मेरे हाथ से
हो सकता है कुछ दिनों में ये अंडे दे दे, मादी को बुखार है। इसके पंजे देखिएगा, फिर टहनी भी दिखा देंगे और उसके अलावा ये पैर भी। इसकी ज़रा मादी का शुक्र करवाएं व्यूअर्स को, मादी में दिखा देता हूँ। मादी आप देखिएगा ज़रा, फोकस करना इस पर। नर की आँख मैंने थोड़ी तेज़ लगाई, मादी के थोड़ी सी लाइट लगाई ना ताकि बच्चे सही निकले। मादी इससे पहले कि वो नर के साथ टेडी के साथ ब्रीड कर चुकी है, अभी मैंने ये नर लगाया है। तो इसके ये पर देखिए ज़रा, अच्छा इसके देखिए दसवां पर, नवा पर, ये नौ दसवां नवा या आठवीं के पीछे छुप रहा है। ये बहुत अच्छे कबूतर की निशानी लगी। देखिए मैंने खोल दिया पूरा, लेकिन ये देखिए दो पर, देखिए पीछे दो पर है, लेकिन देखिए मैंने पर पूरा खोला हुआ है। तो पीछे दो पर ये नौवा दसवां पर बिल्कुल छुपा हुआ है। ये बहुत ही अच्छे कबूतर की जो क्वालिटी में अच्छे कबूतर की निशानी होती है। देखें इस तरह भी देखें, इस इतना ही खोलता है, ज़्यादा खोलूँगा तो फिर ये तरीका नहीं है खोलने का। असल जो तरीका है ना, ये तरीका है खोलने का, पर इसी से अंदाज़ा हो जाता है। हाँ, और ये देखिए दुम में भी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ ना, इसके दुम में एक पर वाइट आ रहा है। अभी ये समझदार बंदे हैं ना, वो खुद ही समझ जाएंगे कि भाई ये कबूतर नस्ल है उसमें कितना पुख्ता है। ये एक पर वाइट आ रहा है पूरे दुम में। अगर पूरे दुम में एक पर वाइट आ जाए या उसमें परों में एक पर ब्लैक आ जाए, ये देखिए जिस तरह यहाँ पर आ रहा है, तो ये बहुत अच्छे कबूतर की निशानी होती है। ठीक है, तो मैंने आपको दिखा दिया पंजे इसके, देखिएगा ये मादा है। ये इसका पूरा फ्रंट देखें, ये पैर लगा हुआ है, बाकी जो मैंने दिखाया वो लगे हुए नहीं थे, वो भी लग जाएंगे। इसकी ज़रा स्टैंडिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरफ से आप देखें, ये मादी के शायद आजकल में अंडे दे ही दे। लेकिन नर कितना मस्ती कर रहे हैं, ये इनकी स्टैंडिंग पोजीशन है माशाल्लाह से, ये चेक करें आप। अच्छा भाई, ये कौन जोड़ा आपको शुक्र आने जा रहे हैं जी? भाई इसके बारे में बताएं। अच्छा नर कौन सा और मादी कौन सी? ये नर है और ये मादी है, ये सियालकोटी कबूतरों में से मादी। हाँ, मादी नर भी तकरीबन ये देखे उसी में से लग रहा है, बाकी आप कमेंट करके बताइएगा। हर मेरे का अपना नजरिया है, लेकिन ये कि ये सियालकोटियों में से नर भी ना। और ये नर की पहले आप साइज़ देखें, मादी का देखें, नर साइज़ में बड़ा है मादी से। और ये आपको छोड़ के भी दिखाएंगे, ये जोड़ा मैंने लाया था तो ये खुद ही लग गया है। ठीक, तो ये कि इंशाल्लाह नर का शो करवाएं जरा भी। नर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जोड़ा भी लग चुका है, ये मैं भूल गया था, ये लग चुका है। तो पहले मैं आपको नर दिखाता हूँ। अच्छा, ये साइज़ में बड़े लग रहे हैं, लेकिन ये आप देखोगे ना, ये इसका वेट बिल्कुल भी इतना नहीं है। जो मुनासिब वेट है तर उस हिसाब से वेट है इसका। देखे बहुत तंग हो रहा है नर। ये देखे माशाल्लाह से ये नर का आइस क्लोजअप है। ठीक है जी, पर दिखाएं जरा इसका, इसका पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें ये पर इसके भी आ रहे, देखे क्रीज में पड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरा पर दिखाएं। देखिए दूसरा बिल्कुल सिंगल पत्ते की धूम है। एक मिनट, ये तो तंग हो रहा है ना, मैं हाथ में दिखाने नहीं दे रहा अपने आप को। ये चेक करें आप। ठीक है, देखिए हमारी भी तंग हो रही है उधर। ये इसकी टेल देखिए, मैंने कोई पकड़ी भी नहीं है, आ रही है पूरी। देखें सही है, पंजे दिखाएं जरा इसके, इसके पंजे भी आप देखिए बहुत लंबे साइज में और काफ़ी वेट में नहीं है। मतलब जब मैं आपको दिखाऊँगा ना, और मैं आपको मादी का भी शो करवा देता हूँ। देखिए निकल नहीं जाए, अभी निकल जाती। ये देखें, ये मादी का भी आपको शौक करवाते हैं। ये मादी बिल्कुल, ये भी कागज़ की तरह है, बहुत ही वजन में हल्की है। हाँ, और ये भी मतलब तकरीबन तैयार हो चुकी है, पट्टी है, मेरे ख्याल नोट पर में आ चुकी है। इसकी आइज़ आप देखिएगा। अच्छा, ये बंद आग में नज़र आ रही है, देखिए तकरीबन ज़्यादातर देखा जाए, लेकिन वैसे एरिया में देखेंगे बंद नहीं है इसकी। देखिए आँख इधर उधर कैसे घुमा रही है, अंदर ज़रात भी है आँखों में, लेकिन ये के ये हो गया 2, 4, 6, 7 आठवीं कली में है। देख रहे, ये निकल रही है कली इसकी। सही, दूसरा पर दिखाएं। ये भी जोड़ा लग चुका है और इसकी टेल देखे, देखिए अगर बिल्कुल एक पत्ते भी है। ये इसके पंजे, मैं इसको छोड़ के दिखाता हूँ ना, तो इंशाल्लाह ये भी व्यूअर्स को पसंद आएगा। इस तरफ से ज़रा दिखाइएगा, थोड़ा दूर से दिखाएगा ताकि हाँ इस तरह, और फिर डरेंगे नहीं कबूतर फिर तरीके से। ये भाई आप इसकी ज़रा ये स्टैंडिंग पोजीशन चेक करें, ये भी लगा हुआ जोड़ा है, बिल्कुल कंफर्म लगा हुआ जोड़ा है। और माशाल्लाह से नर की आप मस्तियाँ चेक कर रहे होंगे मादी के साथ, वो मादी भी यंग है। पोजीशन चेक करें, थोड़ा सा एज में, ज़्यादा एज में नहीं है नर, लेकिन मादी बिल्कुल यंग है। अच्छा, ये सिंगल पीस आपको दिखा रहे हैं अभी, भाई कौन सा ये? ये मामदीन कबूतर है, ये नर है।
ना, सिंगल पीस है ना ये, सिंगल है। मादी इसकी मुझे मिल रही नहीं है, मादी मिलेगी तो इंशाल्लाह। अच्छा, अगर किसी को ये सिंगल पीस चाहिए हो तो भी अवेलेबल है, और अगर आप चाह रहे हैं कि यार इसी तरह की मादी जो है ना हम आपको अरेंज करके दें तो वो भी हम आपको करके दे सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसकी आइज दिखा देता हूं, अभी चूंकि ये यंग है ना, मैंने जिस तरह आपको बता दूं कि ये कड़वा कबूतर है, देखिए हाथ में किस तरह, इसकी आइज दिखाएगा जरा। अब इसके रिंग आएंगे। अच्छा, आंखों में और आप चोंच देखे इसकी, दोनों तकरीबन आंखों का जो कलर है ना अंदर का और चोंच बिल्कुल सेम ही है, ये देखें आप। अब इसके पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखे ये चेक करें भाई, ठीक हो, तेज पर होगा कबूतर है। और अच्छा, हड्डी जोड़ में बिल्कुल परफेक्ट होगा ना, मेन चीज़ जो है ना, मैं बार बार बता रहा हूँ, हड्डी जोड़ कबूतर तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह हड्डी जोड़ हमारे जो होंगे ना कबूतर, अभी जो मैंने जमा किया है हड्डी जोड़ अच्छी होंगे। हम लोग बार बार हड्डी जोड़ पे इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि हमने जो है ना बहुत देखा है इसमें हड्डी जोड़, इसलिए बार बार दे रहे हैं जोड़, ठीक है। तो इसकी ज़रा पंजी दिखाएं, इसको छोड़ के मैं दिखा देता हूँ ताकि अगर ये डरे नहीं, इस तरफ से आप दिखाइए ज़रा, ये न रहे अकेला, स्ट्रेनिंग वगैरह कैसे, तो अभी ये थोड़ा सा नई जगह पर जब कबूतर आते हैं थोड़ा तंग हो जाता है, ये चेक देखें भाई। घबराया हुआ है ये, हाँ घबराया, ये भी आपको मिल सकता है, ठीक है। कोई अगर जोड़ का कहता है तो इस तरह जब जोड़ा मिल जाएगा फिर, हाँ जोड़ा भी मिल जाएगा, इसी तरह का जो है ना वेट करना पड़ेगा फिर अगर इस तरह मादी आती है इसके, ठीक है। आपको अभी और सिंगल दिखाते हैं आपको जी, अभी भाई ये गोल्डन नरे का केला देखिए आप। अच्छा, अगर इसकी भी किसी को मादी चाहिए उससे इस तरह की तो वो हम अरेंज करवा के दे करवा सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हाँ। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे भाई, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मादी मिल जाए तो बिल्कुल सेम जोड़ा आपका बन जाएगा। वैसे गोल्डन जोड़ा नीचे था भी मेरे जो का, अगर किसी को वो चाहिए तो वो दे देंगे, ये चाहिए तो फिर ये दे देंगे। अच्छा, ये देख रहे पलक देखे आप इसकी, बिल्कुल जो प्योरिटी में, इससे पहले जो दिखाया था गोल्डन वो भी प्योरिटी में थे, ठीक हो गया। ये बड़ा तेज़ नर है, काफ़ी तेज़ नर है ना, इसके पर देखे गोल्डन गोल्डन पर है, देखे आप दिखाए, देखिए दूसरा पर बहुत कस परों में बहुत वो है, मतलब ये बिल्कुल भी ऐसा है ना कि हाथ में रुक रहा नहीं है। मैंने बताया ना कि ये डिस्टर्ब थोड़ा सा हो रहा है, इस वजह से एकदम खोल पंजे दिखाए ज़रा, ठीक है। पूरा कबूतर दिखाए ज़रा, तो नहीं पिंजरे में ये रुकेगा भी या नहीं, मुश्किल है, रुक जाए। देखिए भाई, चले आप उधर पिंजरे में रखें, ये देखिए मुश्किल है, रुक जाए, इसकी स्टैंडिंग में हटे ज़रा आगे से, एक मिनट ये बंद कर लूँ ना मैं, निकल जाएगा, ये देखे थोड़ा दूर से बनाए ताकि फिर ये डरे नहीं, ये स्टैंडिंग देखे, ये आप इसकी स्टैंडिंग पोजिशन चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से जी। अभी भाई इसके बारे में बताएँ ज़रा, ये भी नर है जोनसीना टेडी जो है, देखो अभी थोड़ा सा कलर वगैरह इसका और चेंज होगा ये आपके सामने, और ये स्लेटा पर जो आता है ना, ये टेडियो में आता है लाजमी ना, इस स्लेटा पर ये फिरोजपुरी पर कहलाता है, इस टेडियो में फिरोजपुरी का टच होता है। इसके आज आप देखें, ये भी रिंग वगैरह इसके और भी क्लियर होंगे, जैसे रिंग आते हैं एज के हिसाब से ना, जितनी इसकी एज बढ़ती जाती है। और ये इसके ऊपर देखिएगा आप, वाइब्रेशन भी है परों में, इसकी टेल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इसकी टेल, ये बाद में क्योंकि ये इसका दूसरा पर, ये पूरा कबूतर है, इधर यहाँ से छोड़ के दिखाते हैं ना, फिर स्ट्रेनिंग वगैरह अच्छी आ रही है। ये देखें थोड़ा दूर से दिखाइएगा ताकि ये डरे नहीं भाई, ये ज़रा देखें आप इसकी स्टैंडिंग पोजीशन। अच्छा फिर तो केज के अंदर से भी आप एक आपको एक झलक दिखा देते हैं भाई, ये वो कबूतर थे जो हमने आपको जो है ना शो करा है, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये तमाम कबूतर थे, ये ज़ीरा जोड़ा भी नर सामने देखे, ये फकीर गुल, ये चूहा भी है। अच्छा व्यूअर्स, तो ये था अभी भाई का सेटअप जो हमने आपको शो करवाया, कबूतरों की क्वांटिटी कम थी लेकिन जिस तरह हमने आपको बताया कि भाई क्वालिटी वाइज बड़े अच्छे कबूतर हैं, ठीक है,
और ये वीडियो बेसिकली हमारा जो जल्दी बनाने का मकसद था वो ये था कि भाई ताकि लोगों को पता चले कि भाई मैंने और हबीब ने मिलकर जो है वो काम शुरू कर दिया है, ठीक है। और इस वीडियो से लोगों को समझ आ गया होगा कि इंशाल्लाह आज के बाद जो है वो शायद भाई और हबीब भाई जो है ना कबूतर जमा करेंगे और आप लोगों का शौक पूरा करेंगे, ठीक है। आपको कोई भी कबूतर चाहिए हो, चाहे वो पट्टी वाले में हो या काबली में हो, तो इंशाल्लाह हम आपको अरेंज करके देंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके इंशाल्लाह हड्डी जोड़ परफेक्ट होंगे कबूतरों के, और बाकी जिस तरह आपको बताया वही, इसमें कोई गलत बयान नहीं है। जो चीज़ें बताए जो जोड़े नहीं लगे हुए तो बताया आपको, जोड़े लगने का कोई टेंशन नहीं है। इसमें दो जोड़े लगे हुए, मैं दो नहीं लगे हुए, तो ये कि वो तो 10-15 मिनट में जोड़े लग जाते हैं, उसकी टेंशन नहीं होती, क्योंकि मेरे पास पिंजरा बड़ा है, तो इस वजह से अगर अभी जोड़े में लगा भी दूंगा तो बाद में फिर अंदर सब कुछ छोड़ूंगा तो फिर वो जोड़े फिर ख़राब हो जाते हैं, तो ये सीन होता है इस वजह से, ठीक है। तो अब आप ये कबूतर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, अभी भाई अपना नंबर शेयर करें। मेरा नंबर है व्हाट्सएप पर, आप रब्ता कर सकते हैं 03132258956। ये व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है जी, इंशाल्लाह, ठीक है। मेरा भी नंबर आप नोट कर लें 03461580554, इसी पे मेरा व्हाट्सएप भी बना हुआ है। बाकी रही बात प्राइस की, तो इंशाल्लाह आप रابطہ करें। ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई जो ये टाइम पास करने वाले लोग हैं ना यार, वो जो है इस वीडियो से दूर रहें, ठीक है। बहुत काफ़ी लोग आते हैं और बहुत तंग करते हैं, हमें कहते हैं भाई हमें फलाना 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 कबूतर चाहिए, और जब हम उनको अरेंज करके देते हैं फिर बाद में जो है ना उनका नंबर जो है ना वो लगता नहीं है, पता नहीं अजीब अजीब लोग हैं, बस अल्लाह हम सबको हिदायत दे, ठीक है। तो जो सीरियस बायर हो, सीरियस शौकीन हो, सिर्फ वही रابطہ करें। पट्टी वाले जो है ना वो पहले अगर पैसे जमा करो तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि पट्टी वाले कबूतर अच्छे अभी मैंने देखे तेरे गिंजे के, बस जाहिर सी बात है मैंने बोला ये नहीं ले लूँ, फिर मतलब आगे ले नहीं ले भाई। ये टीवी का प्लेटफॉर्म है, आपके पैसे वैसे कहीं नहीं जाएंगे, आप बेफिक्र होकर इंशाल्लाह शौक करें, बाकी कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मजीद इस तरह की जो अपडेट हैं अभी भाई की छत से वो आपको मिलती रहे, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।